फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो है ना एक वीडियो लेके आया है। ये वीडियो जो है ना CPC और 1908 के अंदर का जो है ना शूट फाइल जो किया जाता है, उस शूट फाइल का स्टेज हम डिटेल में बताएंगे और जो ना स्टेप बाय स्टेप इस शूट फाइल का बताएंगे। और ये जो शूट फाइल जो होती है, जैसे कंप्लेंट जो है ना प्लेंट फाइल करती है उसकी, यानी सूट फाइल करती है कोर्ट में, फिर वहाँ से लेके जजमेंट तक की जो ना सारे जो ना हम लोग प्रोसेस जो है ना एक ग्राफ के ज़रिए हम लोग देखेंगे कि जो है ना कैसे जो है ना कंप्लेंट सूट फाइल करती है, फिर जजमेंट तक क्या स्टेज होती है। और जो है ना जिससे आगे जो समझने वाले के लिए जो स्टूडेंट्स हैं LLB के, या फिर जो है ना अभी नए प्रैक्टिस में जो ना लॉयर हैं, ये जो है ना इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये एजुकेशन बेसिस के लिए बेसिकली बनाया गया वीडियो जो है ना, इसमें आपको अगर देखेंगे इससे तो आप सारे जो है ना कन्फ्यूजन आपकी जो है ना रिमूव हो जाएगी। और जो है ना आप इसको अप्लाई अपने लाइफ में, आप प्रैक्टिस के लाइफ में कर सकते हैं, ताकि जो है ना आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो और जो है ना आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं हो प्रैक्टिस के समय में जो है। और इसलिए जो है ना अब हम लोग देखते हैं कि जो है ना अब कैसे अब इसको स्टेज बाय स्टेज हम लोग सूट से लेके जजमेंट पर जाएंगे। हाँ, अगर आप जो है ना न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए, ताकि जो है ना आपको इस तरह का वीडियो आप तक पहुँचता रहे। फ्रेंड्स, जैसा कि पहले आपको बताया कि ये वीडियो जो है ना स्टेज ऑफ सिविल सूट एज पर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में क्या प्रोसेस है सिविल सूट का, वो हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ना सेक्शन 26 ऑफ CPC एंड ऑर्डर 7 ऑफ CPC जो है ना एक कंप्लेंट जो है ना प्लेंट फाइल करता है कोर्ट में, और वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल करता है, और उस फाइलिंग के साथ में सारे डॉक्यूमेंट का जो है ना एविडेंस दिया जाता है। उसके बाद जो है ना कोर्ट जो है ना कंसिडरेशन में लाती है प्लेंट को, और ऑन सेटिस्फेक्शन जो है ना उसको जो है ना सेटिस्फेक्शन जब कोर्ट को होती है तो वो इशू करती है समन्स या नोटिस जो है ना किसको, तो डिफेंडेंट को या अपोजिट पार्टी जो होती है। अब यहाँ पे दो सरकमस्टांसेस होती है जो है ना, एक सरकमस्टांसेस जो होती है कि जो है समन जो ना इशू किया जाता है वो डिफेंडेंट को यानी अपोजिट पार्टी को मिल जाती है यानी सर्व हो जाती है। दूसरी सिचुएशन आती है कि जो है ना समन्स या नोटिस जो है ना उसको सर्व नहीं हो पाती है, या तो फिर वो इग्नोर कर जाता है। तो जी अब यहाँ पे पहला का सिचुएशन हम लोग देखते हैं, जो सर्व तो होता है नोटिस सर्व होता है, लेकिन आगे क्या करती है। अगर वो डिफेंडेंट अपियर होता है कोर्ट में तो जो है ना वो 30 डेज से लेके 90 डेज के बीच में जो है ना वो स्टेटमेंट फाइल करता है, और सारे डॉक्यूमेंट के साथ में जो है ना उसका उसका जो प्लेंटिफ है जो जो कंप्लेंट करने वाले हैं उसके अगेंस्ट में जो जो है ना ये डॉक्यूमेंट फाइल करता है अपने फेवर में अपने बचाव के लिए। और फिर जो है ना दूसरा क्या है कि अगर वो अपियर नहीं होता है तो उस पोजीशन में जो है ना ये सूट जो है ना प्रोसीड किया एक्सपायर्ड कर दिया जाता है, और एक्सपायर्ड जब कर दिया जाता है तो फिर जो है ना ये एक्सपायर्ड पोजीशन में ये जो है ना कोर्ट के सामने जो है ना ये प्लेंटिफ जो है ना अपना एविडेंस प्रूफ करती है, और फिर एविडेंस प्रूफ जब करती है तो फिर जो है ना ये उनके एविडेंस के बेसिस पे कोर्ट जो है ना जजमेंट दे देती है या उसको डिक्री दे देती है। फिर दूसरा सिचुएशन, पहला सिचुएशन जो था कि वो 30 से 90 डेज के अंदर जो है ना अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, रिटर्न स्टेटमेंट करता है, तो फिर जो है ना प्लेंटिफ जो है ना वो और उसका डॉक्यूमेंट जो सबमिट होता है डिफेंडेंट का उसके जो है ना अगेंस्ट जो है ना और उसके रिस्पॉन्डिंग में फिर ये ऑब्जेक्शन जो है ना स्टेटमेंट डालती है या डॉक्यूमेंट देती है जो प्लेंटिफ है कि
जो ना वो डालती है कि जो है ना डिफेंडेंट जो जो भी स्टेटमेंट दिया है या फिर जो है ना जो भी डॉक्यूमेंट दिया है उसके अगेंस्ट में ये प्लेंटिव जो है ना अपना बचाव के लिए, बचाव नहीं अपने केस को मजबूत करने के लिए डॉक्यूमेंट डालती है। जब ये जो है ना डॉक्यूमेंट डालने के बाद जो है ना एडमिशन एंड डेनियल ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द बोथ पार्टी, जो है ना उसमें सिचुएशन आती है कि जो है ना बोथ के पार्टी के द्वारा जो है ना यहाँ पे जो डाला जाता है तो वहां पे उसका जो है ना क्या उसका एडमिसिबिलिटी है क्या डेनियल है इसके लिए तो बोथ पार्टी के द्वारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट का असेसमेंट होती है कोर्ट के द्वारा। उसके बाद जो है ना कोर्ट जब देख लेती है तब फिर कोर्ट जो है ना फ्रेमिंग ऑफ इशू बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट जो है ना अब ये इशूज किया जो है ना सूट जो फाइल किया इसका चार्ज फ्रेम करती है जो है ना, और ये चार्ज फ्रेम करती है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट पॉइंट्स, यानी ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट पॉइंट मीन्स हो गया कि अब दोनों के बीच में सेटलमेंट हो सकता है या तो फिर चार्ज फाइल किया गया। जब चार्ज फाइल कर दिया जाता है तो फिर जो है ना यहाँ पे जो है ना फाइलिंग ऑफ एविडेंस बाय प्लेंटिव फॉर्म हैफिडेफी एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द डिफेंडेंट, ये जो है ना अपना जो प्लेंटिव जो है ना अपना जो है ना एविडेंस प्रूव करता है एफिडेविट डाल के जो है ना एफिडेविट डालता है, और जो है ना फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है एग्जामिनेशन चीफ के द्वारा, और जो है ना फिर जो है ना इसी के बेसिस पे जो है ना समन्स विटनेस जो होती है उस केस का जो सूट का बनाया गया है विटनेस उस जो है ना विटनेस को जो है ना कोर्ट बुलाती है समन करती है, और एग्जामिनेशन एंड चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनर डिफेंडेंट डिफेंडेंट के सामने में उसका जो है ना क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। जब ये खत्म हो जाती है फिर अगला स्टेप आता है फाइलिंग ऑफ एविडेंस बाय डिफेंडेंट बाय एफिडेवी, यानी ये जो है ना डिफेंडेंट जो भी फाइल करता है एविडेंस फाइल करता है अपने एफिडेविट के अंदर, एंड इसका भी जो है ना क्रॉस एग्जामिनेशन होती है एग्जामिनेशन इन चीफ के द्वारा, और जो है और ये एक क्रॉस द प्लेंटिफ यानी प्लेंटिफ का भी जहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद फिर सम विटनेस का जो है ना को भी बुलाया जाता है, और जो है ना विटनेस को जो है डिफेंडेंट जो विटनेस बनाया है उसको जो है ना बुलाया जाता है और प्लेंटिफ के सामने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। उसके बाद फाइनल उसके बाद जो है ना बोथ द पार्टी से आर्ग्यूमेंट होती है, जो है ना प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो दोनों का जो एडवोकेट होता है दोनों की तरफ से आर्गुमेंट करती है, और आर्गुमेंट करने के बाद एक दूसरे से जो है ना डिफेंडेंट जो है ना अपना बचाव करती है, और बचाव करने आर्गुमेंट होता है उसके बाद बचाव करती है उसके समराइज इन रिस्पेक्टिव ऑफ कंटेंशन एंड डिफेंस, यानी दोनों जो है डिफेंडेंट जो है ना अपना बचाव के लिए समराइजिंग करती है या जो भी रिस्पेक्टिव कंटेंशन है उसको देती है डिफेंस पेपर है उसको देती है। उसके बाद जो है ना जजमेंट जो है ना दिया जाता है, जजमेंट जो है ना दिया जाता है सेक्शन 33(2)(9) ऑर्डर 20 ऑफ सीपीसी के अंदर जजमेंट दिया जाता है। जब ये जजमेंट दिया जाता है तो जजमेंट दिया जाता है और जजमेंट के साथ में डिक्री भी दिया जाता है कोर्ट के द्वारा सेम सेक्शन में सेक्शन 33 एंड 29 ऑर्डर जो है 20 ऑफ सीपीसी जो है ना। अब हो जाती है अगर जो है ना इस तरह की जजमेंट हो जाती है अगर अपील की बात आती है तो ये अपील जो है ना किया जाता है जो है ना अगर जजमेंट हो जाती है जजमेंट डिक्री भी अगर मिल जाती है तो अगर जजमेंट होती है तो अपील कर सकता है। तो अपील किसके अंदर करता है ये सेक्शन 96 से 111 ऑर्डर 47 के अंदर अपील करके आ जा सकता है जो है ना अपील किया जाता है। फिर जो होता है डिक्री अगर होती है या जजमेंट होती है उसको एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर जो एनफोर्समेंट ऑफ द डिक्री जो है ना यानी डिक्री जो भी होती है उसको एग्जीक्यूशन करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। और या अगर फिर जो है ना अगर ये अपील करता है तो अपील करने में भी वही प्रोसीजर है कि आगे अपील करने के बाद ये इसको जो है ना जो है एजुकेशन की बात आती है और सेक्शन 36 से लेके 48 के बीच में इसका प्रोविजन है ऑर्डर 21
अंदर इसको जो है ना एक्सक्यूशन कर दिया जाता है। अब है कि जो है ना दूसरा सिचुएशन आती है कि जो है ना अगर समन इशू किया गया लेकिन वो उसे सर्व नहीं हुई। अब सर्व नहीं हुई तो फिर जो है ना या कि वो इग्नोर कर गया तो कोर्ट क्या करती है, फिर से रीशू करती है समन। वो जो है ना उसको पब्लिश करती है जो है ना किसी लोकल न्यूज़पेपर में और फिर जो है ना नेशनल लेवल के या स्टेट लेवल के न्यूज़पेपर में, और उसको माना जाता है कि ये उन्हें सर्व हो गया। और फिर है कि जो है ना अगर डिपेंडेंट अपियर होता है तो फिर वही सिचुएशन है कि 30 से 90 डेज के बीच में उसको अपेयर होना है, उसके बीच में उसको रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग करके फिर वही प्रोसेस रहती है। अगर वो डिफेंडेंट जो है ना अगर वो डिफेंडेंट जो अपेयर नहीं होता है तो इस पोजिशन में फिर जो है ना एक पोजिशन आई थी जो है ना जहाँ पे एक्सेप्ट तो होती है लेकिन जो है ना वो अपेयर नहीं होता, तो फिर यहीं पर वही सूट पर आ जाती है कि वो सूट जो है ना प्रोसीड एस्पायरेंट करा जाता है। उसके बाद प्लेंटिव जो है ना अपना जो है ना डिफेंडेंस डिफेंड अपना जो है एविडेंस प्रूफ करती है, और एविडेंस प्रूफ करने के बाद फिर जो है ना यहाँ पे इसको क्या हो जाता है जजमेंट मिल जाती है, और जजमेंट मिल जाती है तो वो स्टोरी वहीं पे उस केस की खत्म हो जाती है, क्लोज मानी जाती है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल नवीन लॉ बार्ट शो को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट क्या है कि आपको जो है ना वीडियो मिलता रहेगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा इस चैनल पे तो आपको वीडियो मिलेगा। साथ ही जो है ना आप इस घंटा के बटन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि जो और एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन में जो है ना ऑल वीडियोज को आप सेलेक्ट कीजिए ताकि जो है ना जो भी मैं वीडियो यहाँ पे डालूंगा इस चैनल पे आप तक पहुँचता रहेगा। और जो है ना अगर आप नहीं भी चैनल पे आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए जो है ना आपको इंडिकेशन मिलेगा कि इस चैनल पे कोई एक वीडियो डाला गया है, और आप इस वीडियो को जो है ना नोटिफिकेशन के प्लेस पे जो है ना आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जो है ना को क्लिक करेंगे तो वीडियो पर डायरेक्ट आप जाके देख सकते हैं कि ये कौन सा वीडियो है, कैसा वीडियो जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जो है ना आप शेयर भी कीजिए भी इस चैनल के वीडियो को अपने नियर आदमी को, जितना से जितना आप शेयर करेंगे उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि जो है ना ये वीडियो बनेगा तो आपका जो है ना आपके साथ साथ दूसरा भी व्यक्ति को जो है ना वीडियो से बेनिफिट होगा। ये एजुकेशन टाइप का वीडियो बनता है और लॉ से रिलेटेड वीडियो भी बनता है, तो लॉ से रिलेटेड जितने भी बंदे हैं उनको जो है ना अगर रिक्वायरमेंट चाहिए नॉलेज का किसी तरह का स्टडी मटेरियल से जुड़े था तो वहां तक ये वीडियो के जरिए जो है ना मैसेज पहुंचता रहेगा, और साथ ही इस वीडियो से जो भी लीगल और जो है ना इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको और आपके फ्रेंड्स को मिलता रहे। इसलिए जो है ना आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल के वीडियो को उतना से उतना आदमी बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।